एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 30। वर्कशीट नंबर 30 में हमने का क्या पढ़ना है, क्यूब रूट थ्रू एस्टिमेशन। हमने नंबर्स के क्यूब रूट निकालने थ्रू एस्टिमेशन, यानी कि हमने जस्ट कंप्लीट आपने क्यूब रूट को सोल्व नहीं करना है यूजिंग एलसीएम और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सिर्फ आपने एस्टिमेट लगाना है कि एस्टिमेशन से कि ये नंबर किसका क्यूब रूट हो सकता है, इसका क्यूब रूट क्या हो सकता है। तो जैसे आपको दिया हुआ, देखो इसने बोला यहाँ पे व्हाट राइट यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द नंबर व्हेन क्यूब रूट ऑफ द नंबर्स विल बी कैलकुलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसने क्या बोला, हमें इन नंबर्स के क्या निकालने हैं, क्यूब रूट का यूनिट प्लेस। और क्यूब रूट का यूनिट प्लेस निकालने के लिए आपने सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने सिर्फ लास्ट वाली डिजिट चेक करनी है। जैसे यहाँ पे देखो लास्ट वाली डिजिट क्या है, 6। तो ये देखो जो ये आपको क्यूब्स दिए हुए हैं, यहाँ पे देखो किसका क्यूब करने पे 6 बन रहा है, सिर्फ एक ही है 6। ठीक है, इसका क्यूब करें तो क्या आ रहा है, 6। तो ए पार्ट का आपका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, अब आ जाओ बी पार्ट पे, लास्ट वाली डिजिट क्या है, 9। अब जो ये टेबल आपको दी हुई है, इस टेबल में 9 कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी कि 9 का क्यूब करने पे क्या बनता है, 9। ठीक है, यहाँ पे भी वंस वाली डिजिट चेक करो और यहाँ पे भी वंस वाली, यहाँ पे 6। अभी अभी बताया 6 कब आता है, 6 का क्यूब करने पे। तो सी का आंसर यहाँ से क्या आ गया, 6। डी का देखो यहाँ पे, डी आपके पास क्या है, 5। ठीक है, तो यहाँ से देखो 5 का क्या आ जाएगा, 5 ही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ई की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो लास्ट वाले डिजिट 6, 6 के लिए मैं बता चुकी हूँ क्या आएगा, 6। ठीक है, 7 कहाँ पे आ रहा है, क्या 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कब आ रहा है, जब मैं 3 का क्यूब कर रही हूँ, तो वंस वाले डिजिट 7 बन रही है, बिल्कुल बन रही है। तो यहाँ पे इसका एफ पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ जी पार्ट पे, जी पार्ट में क्या दिया हुआ है, 6। तो जी का 6 ही रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ एच पार्ट पे, एच पार्ट में क्या दिया हुआ है, 5। तो 5 का क्या आ जाएगा, 5। यहाँ तक सबने नोट कर लिया होगा, क्लियर होगा सबको। अब आ जाओ लास्ट पार्ट पे, लास्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, देखो इसने क्या बोला यहाँ पे लास्ट में, इट इज़ नॉट क्लियरली विजिबल। तो अगर आपके पास विजिबल होगा तो आप ध्यान से देख के कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक उसने बोला फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द नंबर्स फॉर एस्टिमेशन। अब जो ये नंबर आपको दिए हुए, इनका एस्टिमेशन से आपने क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। जब भी आपको एस्टिमेशन की बात हो तो आपने क्या करना है, ध्यान से देखना, 1 1 7 6 9, इसका निकालना है। तो पीछे से पेयर बनाना शुरू करना है, पीछे से, आगे से नहीं। तीन तीन डिजिट्स उठा लो, तीन को अलग कर लो, ये आपका एक ग्रुप हो गया, यहाँ से जो डिजिट बची ये ग्रुप, ये आपका फर्स्ट ग्रुप और ये आपका सेकेंड ग्रुप। तो 9 किसका क्यूब करने पे आता है, 9 का, तो वंस वाली डिजिट आ गई 9। अब 11, 11 किसके क्यूब के बीच में आता है, ध्यान से देखना, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो ध्यान से देखना, क्यूब 11 इन दोनों के बीच में आता है, तो इन दोनों में से जो छोटी डिजिट है, 3 छोटा है या 2 छोटा है, 2 छोटा है, तो आपकी डिजिट यहाँ की आ जाएगी 2। तो ये किसका आंसर होगा, 29 का, क्लियर। अब आ जाओ अपने सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, 1 9 5 1 1 2। तो ध्यान से देखना, ये आपका फर्स्ट ग्रुप, ये आपका सेकंड ग्रुप। ठीक है, अब आपने क्या चीज़, फर्स्ट ग्रुप हो गया और ये आपका सेकंड ग्रुप हो गया। ठीक है, दो ग्रुप आपके पास बन गए, यहाँ पे लास्ट वाले डिजिट चेक करो कितनी है, 2। तो आप देखो क्यूब करने पे 2 कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, और किसका क्यूब किया, 8 का, तो यहाँ पे क्या आ गया, 8। अब ये देखो ये किसके बीच में आता है, 195 किसके बीच में आएगा, 125 और 216 के बीच में। तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, 5 है या 6 है, 5, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5। तो ये 58 का आंसर होगा, क्लियर। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 29791। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके पास है 29791। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन है 29791। यहाँ पे देखो बेटा,
ग्रुप बनाना है, ये आपका पहला ग्रुप और ये आपका दूसरा ग्रुप, ठीक है। अब इस ग्रुप में वंस वाले डिजिट वन है, तो वन किसका क्यूब करने पे आता है, सिर्फ वन का, तो यहाँ आंसर आ गया वन। अब देखो 29, 29 किसके बीच में आएगा, इसके बीच में, ये किसका है थ्री का, ये किसका है फोर का, तो थ्री और फोर में छोटा कौन सा है, थ्री, तो यहाँ आंसर आ जाएगा थ्री, क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थ्री। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्या बोल रहा है, 50653, 50653 यही था, पेयर बनाया यहां से, और ये आपका फर्स्ट ग्रुप, ये आपका सेकंड ग्रुप, तो लास्ट वाले डिजिट थ्री है, थ्री का बार है जब सेवन आप यूज कर रहे हो, ठीक है। 50 किस किस के बीच में आएगा, 50 आएगा थ्री और फोर के बीच में, तो थ्री और फोर में छोटा कौन सा है, थ्री, तो आंसर क्या आ जाएगा, 37, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर फाइव आपका क्या कह रहा है, 389017, क्या क्वेश्चन है, 389017, यहाँ पे देखो 389017, ठीक है, पेयर बनाया, यहाँ से ये पेयर बन गया और यहाँ से ये पेयर बन गया, तो लास्ट में सेवन का बार है जब मैं थ्री का क्यूब कर रही हूँ, तो यहाँ पे आ गया थ्री। अब देखो 389 किस किस के बीच में है, यहाँ पे इसके और इसके, अब देखो इन दोनों में छोटा कौन है, सेवन या एट, तो सेवन, तो आंसर कितना आ जाएगा, 73, क्लियर। नाउ मूव ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, 373248, अब क्वेश्चन आपके पास क्या है, 373248, मैंने आपको क्या बताया, पेयर आपने बनाना है यहाँ से थ्री, यहाँ से थ्री, लास्ट वाले डिजिट एट कब है, सबसे पहला क्वेश्चन, लास्ट वाले डिजिट एट कब है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे चेक करेंगे लास्ट वाले डिजिट कब एट है, जब टू है, तो यहाँ से आ गया टू, और नेक्स्ट इज 373, तो 373 किसके बीच में आता है, सेवन और एट के, तो सेवन और एट में छोटा कौन है, सेवन, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 72, ठीक है। सो क्यूब रूट ऑफ दिस इज 72, क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 857375, 857375, यहाँ से आपके पास अगला क्वेश्चन है 857375, राइट, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, यहाँ से क्या है 857375, यहाँ पे देखो क्या है बेटा 857375, ठीक है। तो पेयर अप किया, ये आपका पहला ग्रुप, ये आपका दूसरा ग्रुप, ठीक है। तो पहले ग्रुप में फाइव है, तो फाइव कहाँ आ रहा है, फाइव पे, तो ये आ गया फाइव। अब है 857 किसके बीच में, नाइन और टेन के बीच में, तो छोटा कौन सा है, नाइन, तो आंसर आ जाएगा 95, क्लियर। अब आते हैं लास्ट में, लास्ट आपका क्या कह रहा है, 10648, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 10648, ठीक है, 10648 पेयर बनाऊंगी, तो ये पहला ग्रुप, ये आपका दूसरा ग्रुप। तो पहले ग्रुप में वंस वाले डिजिट क्या है, एट, एट कब आता है, जब टू हो लास्ट में, तो आंसर आ गया टू। यहाँ से टेन, टेन किसके बीच में आता है, टू और थ्री के बीच में, तो टू और थ्री में से छोटा कौन है, टू, तो आंसर आ गया 22, क्लियर। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 30, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।